अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन बी शेख इकबाल, मैं रमजानपुरा हेल्थ सेंटर से काम करती हूँ और मैं कोरोना में घर घर जाके सर्वे की हूँ और पूरी तरह से कोरोना का सर्वे की और अभी तक भी करते आ रही हूँ उसका कोरोना का। और आज मैं पहली व्यक्ति हूँ जो कोरोना का जो लस डोज दिया जा रहा है, मैं पहली व्यक्ति हूँ जो उसके लिए पहला डोज लेने के लिए आई हूँ। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस कोरोना को इस शहर मालेगांव से भगाने में मदद कीजिए और इस डोज लेने के लिए आप फुल तैयारी में आइए और आप इस कोरोना को खात्मा करने के लिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस कोरोना को इस दुनिया से खात्मा कीजिए। सर, आज जीएच मालेगांव में कोविड लसीकरण के अंतर्गत आज का लसीकरण शुरू हुआ था। मालेगांव के एडिशनल कलेक्टर धनंजय निकम, प्रांत अधिकारी शर्मा साहब, तहसीलदार राजपूत साहब, आयुक्त काशर साहब, अपने तालुका आरोग्य अधिकारी निकम साहब और अपने सामान्य रुग्णालय के वैद्यकीय अधीक्षक डांगे सर और महिला रुग्णालय के वैद्यकीय अधीक्षक महेंद्र पाटिल, इन सब की उपस्थिति में आज का ये लसीकरण सत्र शुरू किया गया। आज का जो वैक्सीनेशन है वो अपना जो सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ डॉक्टर है उनके लिए था। अपने जो 86 बेनिफिशरी आज वैक्सीन देने थे उनमें से अब तक यानी 4 बजे तक 62 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। सबसे पहला वैक्सीन जो है मैंने खुद ने लिया है तो अभी तक तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। और जो 62 लोगों को वैक्सीन दिया गया है उनमें से भी एक को भी कुछ तकलीफ नहीं हुई, इसलिए ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है। तो मैं पूरी आवाम को ये आह्वान करूँगा कि ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है और आप लोग इसका पूरे पूर्ण फायदा लें। धन्यवाद। सर एक मिनट, हाँ, मालेगाव शहरात लसीकरणाच्या मोहिमेचा आज शुभारंभ करण्यात आलेला आहे। आपण 5 केंद्रावरती आज लसीकरण मोहीम चालू करत आहोत। आज आपण 500 कोविड वॉर्डरला आज लस देणार आहोत। यांना कोणताही त्रास झाला किंवा काही झालं तर यासाठी आवश्यक ती सर्व खातरजमा मालेगाव महापालिकेने केलेली आहे। मात्र लोक स्वेच्छेने आज इथं संपूर्ण लोक स्वेच्छेने आज लसीकरण करून घेण्यास येत आहे आणि यामुळं आम्हाला सार्थाभिमान वाटतो की आम्ही मालेगाव शहर 100% लसीकरण करू शकतो। हां, मालेगाव शहर हे कोरोनाचं हॉटस्पॉट होतं। एप्रिल महिन्यापासून जे कोरोना सुरू झाले ते मालेगावसाठी एक हॉटस्पॉट ठरलं होतं, पण मालेगावने त्याच्यावर हे उपाययोजना करून प्रतिबंध मिळवला। आज त्याच्यासाठी वॅक्सिनेशन आलेलं आहे आणि त्या वॅक्सिनेशनसाठी 5 ठिकाणी आज मालेगावमध्ये वॅक्सिनेशन होणार आहे। सोयगाव, रमजानपुरा, निमा कॅम्प आणि जी एच मालेगाव या सगळ्या ठिकाणी होणार आहे। त्या ठिकाणी 500 लाभार्थी प्रत्येक केंद्रावर 100 याप्रमाणे प्रत्येक केंद्रावर 100 लाभार्थ्याप्रमाणे 500 लाभार्थ्यांना आज वॅक्सिनेशन होणार आहे। याच्यासाठी आमची सगळ्यांची तयारी झालेली आहे आणि आम्ही सज्ज आहोत वॅक्सिनेशनसाठी। आज जे लाभार्थी आलेले आहेत ते स्वइच्छेने इकडे आलेले आहेत आणि निश्चितच ह्या सगळ्या अनुभवावरनं आम्ही म्हणू शकतो की मालेगाव कोरोनामुक्तीकडे गेलेलं आहे आणि वॅक्सिनेशनसाठी सगळेजण सज्ज आहेत। म्हणून मालेगाववासियांना माझं एकच आव्हान आहे की आज जसं 500 लोकांचं होतं आहे तसं ज्यावेळी सगळ्यांचं सुरू होणार आहे फ्रंटलाईन वर्कर्सचं पब्लिकचं, त्यावेळी सगळ्यांनी आपलं आपलं वॅक्सिनेशन करून घ्यावं, आपली फॅमिली आणि आपलं मालेगाव हे प्रोटेक्ट करावं, जेणेकरून आपल्याला ह्या कोरोनाचा धोका कायमचा टाळता येईल। याच्यासाठी मी सगळ्यांना आव्हान। शाहीन बी शेख इकबाल, रमजानपुरा सेंटर से काम करती हूँ। मैं एक आशा वर्कर हूँ जो इस कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए पहला डोज लिए लेने के लिए बुलाया गया है और मैं इस डोज को ले चुकी हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि डोज लेने के बाद कुछ तकलीफ हो रही है या नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस डोज को ले लीजिए और इस कोरोना को इस मालेगांव शहर से खत्म कर दीजिए।
राजधानी सर्दी की ठहरती रातों में, सर्दी की ठहरती रातों में, चलो धूप पहन कर निकले हम गर्मी के मुलायम धागों से, एक स्वेटर बुन कर पहने हम।